अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर स्टारर टॉयलेट एक प्रेम कथा इस साल की हाईली एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धीरे धीरे तूफान खड़ा कर रही है। आपको बता दें, रिलीज के तीसरे दिन इस फिल्म ने 21.25 करोड़ की बेमिसाल कमाई की है। और इन्हीं कलेक्शंस के आंकड़ों के साथ अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म ने शाहरुख खान की जब हैरी मेट सेजल को पीछे छोड़ दिया है, जिसने अपने रिलीज के तीसरे दिन 14.75 करोड़ की कमाई की थी। श्री नारायण सिंह के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक छोटे से गांव के दो किरदार केशव और जया के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी शादी तो होती है लेकिन घर में प्रॉपर टॉयलेट ना होने की वजह से शादी टूटने की नौबत पर आ जाती है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव जरूर बताएं और कमेंट करें।